तो भाई लोग, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आपके हाल चाल तो? और बताओ कैसे चल रहा है एग्ज़ाम्स वगैरह? जिसके एग्ज़ाम चल रहे हैं वो एग्ज़ाम्स अच्छे हों उनके, और जिसकी नॉर्मल स्कूल चल रहा है उनका तो मौज है ही। और यार मेरे को ये समझ में नहीं आता है, यहाँ पर इसमें गेम में इतने सारे लोग आ जाते हैं पर एक जना ही क्यों रह जाता है? वेटिंग फॉर वन प्लेयर, वेटिंग फॉर वन प्लेयर, पता नहीं क्या यार, इतनी बहुत देर लगती है यार इसमें। कभी कभार तो कभी कभार तो फटाफट आ जाता है, कभी कभार बहुत देर लगती है इसमें। और ये अभी तुमने देखा, ये सब छोड़ो, मैं होता हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे मेरे, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था। तो एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि एक टीचर होते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे से होते हैं, जो मतलब बच्चों को खुद बताते हैं आंसर्स। एक टीचर होते हैं जो मतलब बिल्कुल ऐसे चीटिंग वीटिंग करने नहीं देते, पीटीआई लोग जैसे, पीटीआई टीचर्स जो होते हैं। बट एक होते हैं जो मतलब चीटिंग भी नहीं करने देते और करवाते भी कुछ भी नहीं है, और खुद से अगर पेपर करना चाहो ना तो वो भी नहीं करने देते। मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से पीछे, मतलब किसी बच्चे को अगर देख लिया तो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे जैसे बिल्कुल भैंसों की तरह। ऐसा आज क्या, मेरा मैथ्स का पेपर था और उसमें एक टीचर था, वो ऐसे ही चिल्ला रहा था, भाई दिमाग ख़राब हो गया। एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था कि एक बक्से में कार्ड्स रखे हुए हैं और उन कार्ड्स पे 2 से 101 तक नंबर्स की मार्किंग है, और उसमें से फाइंड करना है कि इवन नंबर्स जो हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक कार्ड जो निकाले वो इवन नंबर का कार्ड हो, उस पर इवन नंबर लिखा हो। तो उसको फाइंड करने के लिए सिंपल है कि सारे नंबर्स को लिख लो, उनमें इवन नंबर्स काउंट कर लो। ये इतनी सिंपल चीज़ को उस टीचर ने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, मतलब एक आंसर को लिखो, उसको मतलब उसको लिख के काउंट करने बैठो जैसे 56 57, फिर एकदम से वो जोर जोर से चला जाता है कि किसी बच्चे पर वो पूरा भूल जाओ। फिर ऐसे 3 4 बार करने के बाद मतलब मैं परेशान हो गया कि भाई यार ये क्या टीचर है। फिर मैंने एक बार बोल दिया खड़े होके कि सर थोड़ा आप धीरे बोल लीजिए, प्लीज़ कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। फिर वो ऐसे बोलने लगे कि सर ये मतलब बेटा तुम ये ऐसे कैसे कह सकते हो, मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, मतलब तुम्हें ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, ज़्यादा तुम ऐसे नवाबजादे बन रहे हो। यार हद होती है यार किसी चीज़ की। चलो टॉपिक से कम भटकते हुए अभी गेम प्ले पर आते हैं। अभी गेम प्ले में देखते हैं कि अभी तक प्री मैच ही चल रहा है, मतलब कब तक चलेगा जाने। अभी देखो एक बंदा मेरे पीछे आता है और चक्कू मारने लगता है। मैं कह रहा अच्छा चक्कू मारेगा, तो मैं सोचता है कि पबजी में ऐसे उछल उछल के टीम अप करते हैं ना, तो उसमें खाली हाथों कर नहीं सकता, तो मैं वो कर रहा था। और अभी तुमने देखा कि ये बंदा अभी देखो लेट जाता है और मेरे में चक्कू मारने की कोशिश करता है, और मैं बार बार डॉज कर रहा हूँ, तो मैं इतना भी कुछ खास नहीं। मैं इस रस्ट वाले मोड की सबसे मस्त ट्रिक बताऊंगा। अभी क्या होता है, मैच स्टार्ट होती है, तुम्हें क्या करना है कि सारे बंदे नीचे नीचे से आएंगे, तो मैं कोई भी ऐसे ऊंची जगह पर चढ़ जाओ, इस जगह पर जैसे मैं चढ़ा, अभी यहाँ पर क्राउच कर लो, और बंदे तुम्हें सामने वाले तुम्हारे टीममेट्स को मार रहे होंगे, और तुम यहाँ पर आराम से लेके उन सबको मार सकते हो। अभी मेरे पास ऑटो गन थी, अगर कोई मशीन गन होती तो मैं आराम से मार सकता था सभी बंदों को। चलो अब कुछ नहीं, अभी ये देखो ये बंदा मेरे को मारने कुछ। अभी यार क्या है, नोटिफिकेशन आता रहता है, ये साला किल चुरा लिया यार मेरा, माइनर असिस्ट दिया मैंने, इतना सारा डैमेज दिया फिर भी। अरे यार इस बंदे को भी मार दिया, ये यहाँ से भी नहीं मार पाया। शाबाश, कहाँ से? अच्छा यहाँ से स्नाइपर चलाएगा बेटा। रुक जा रुक जा रुक जा, मैं आता तेरे पास। हेलो हेलो, अरे यार इतना सारा डैमेज दिया, मरा क्यों नहीं यार ये बंदा, हद होती है। अभी यहाँ पर सामने बंदे लड़ रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठ के छुप जाता हूँ, जिससे कि ये बंदा आएगा सरप्राइज पकड़। क्या बोला इसने, स्नाइपर एलिमिनेटेड। ओहो स्नाइपर चला रहा था यहाँ पर, तो भी मर जा। और हेलो, अरे यार दोनों तरफ से मार रहे बंदे यार, ऐसे थोड़ी ना होते हैं, आगे से भी पीछे से भी सब जगह से मार रहे हैं बंदे गोलियाँ। लोग इस बात का थोड़ा अजीब मतलब निकाल सकते हैं इसलिए। अभी देखना ये बंदा, अरे देखो मेरी पावर देखी, मैंने गोली चलाई उससे पहले ये बंदा अपने मर गया, देख रहे हो पावर्स आते बा बेटा। स्नाइपर क्लोज रेंज में, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ओ भाई यार स्नाइपर से मर गया, अरे जो बंदा शर्म आनी चाहिए इसको। अरे कौन डैमेज दे रहा है भाई, कहाँ से मार रहा है गोली? हेलो हेलो भाई यार, क्या यार भाई यार स्नाइपर से मर गया, अरे जो बंदा शर्म आनी चाहिए इसको। एक बंदा मेरे को ऊपर से डैमेज दे रहा था, बट मैं इतना बेचारा हूँ नीचे वाले बंदे को मार के ही माना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर चढ़ जाता हूँ जिससे कि व्यू व्यू मिल जाए, बंदे दिख जाए और उनको मार सकूँ। भाई ऊपर तो देख ले यार, क्या मर गया और शायद इस बंदे की भी मौत आई है। भाई भाई भाई, अरे यार भाग गया, पर मेरे से बच के नहीं भाग सकता भाई, स्लाइड वाला कितना भी कर ले मेरे से नहीं बच सकता तू। ओ ओके,
मैं भी बेवकूफ़ हूँ यार। मतलब मेरे को उस टाइम पे बैठ के हेल्थ बढ़ानी चाहिए थी, बट नहीं, मेरे को तो बंदे को मारने की चुल है। मर गया, अब दोबारा से रिस्पॉन हो जाऊंगा भाई। ये थोड़ी है, इसमें क्लासिक मैच थोड़ी चल रहा है, एक बार मरने का दोबारा रिस्पॉन होंगे, दोबारा रिस्पॉन हो जाऊंगा, दोबारा मारूंगा इनको। अच्छा भाई, बंदरों के तरह देख रहे हो, ऊपर चढ़े पड़े हैं सभी के सभी। अभी रुक जा बेटा, अभी रुक जा, मेरे को मारा ना तूने, रुक। अभी मैं लेगा स्नाइपर। हाँ, और सरप्राइज भाई, देख दे, मैं मार चाहता था ऊपर सिर पे मार था, बट मैंने इसलिए इधर इसलिए मारा जिससे दोबारा ये लोग खड़े ना हो पाए। हैवी रिफ्लेक्स ओपी गाइस। तो शॉर्ट रेंज में स्नाइपर से मार दिया, पर भाई हमेशा थोड़ी ना होगा। अभी मैं अपनी एबिलिटी यूज़ करके ऐसी गन लूँगा। जाओ ललन, तुम जाओ। और यहाँ से अभी इन बंदों के आकर मस्त मारूंगा। अरे भाई, क्या कूद के आया बंदे, देखा तुमने? और भाई एक और बंदा था, वो भी गायब हो गया। हाँ भाई, ये गन हलवा थोड़ी है भाई, अचार थोड़ी बना रखा है गन का। सामने खड़े होके तुम स्नाइपर बजा रहे हो, मैं ये गन लेके बैठा हुआ हूँ तुम्हारे सामने। और ये मैं ऐसी गोलियाँ वेस्ट कर रहा था क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा गोलियाँ थी और टाइम इसमें कम था, इसलिए अभी गन आ गई मेरी दोबारा से मेरे पास। और फ्री असिस्ट के लिए मैंने इस रिमोट का बटन दबा दिया। आया दो गन एक साथ रख के, एक गोली लग जा भाई, एक गोली लग जा, अरे एक गोली तो लग जा भाई। अरे यार हद है, एक गोली तक नहीं लगी। बंदा सभी बंदों को मार के इतना खुश हो रहा था और मैंने इसकी आधी हेल्थ पर उसको मार दिया। ओ हो, देख रहे हो फ्री फायर? देखा नहीं? Level 3 hit me,